सर्दी में बाहर जाना और व्यायाम करना किसी को भी पसंद नहीं आता। शारीरिक सक्रियता भी कम हो जाती है और इसके कारण जोड़ प्रभावित होते हैं। आइए जानते हैं कि क्यों बढ़ती है इस मौसम में जोड़ों की समस्याएं और कैसे इन्हें दूर रखा जा सकता है। सर्दियों में जोड़ों में दर्द और जकड़न जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। सर्दी के मौसम का प्रभाव हमारे जोड़ों पर पड़ता है। खास तौर पर वो लोग जिन्हें पहले से ही जोड़ों की समस्या हो, उन्हें काफी परेशानी होती है। सर्दी के दिनों में अक्सर जो है जोड़ों का दर्द, मांसपेशियों का दर्द, कमर का दर्द, गर्दन का दर्द अचानक से बढ़ने लगता है। इसका मुख्य कारण है कि जो पेन के जो सेंसर हैं जोड़ों के अंदर, वो कोल्ड से स्टिमुलेट हो जाते हैं और उसमें पेन का एहसास बढ़ जाता है। हमारे शरीर में जो है ब्लड की सर्कुलेशन, खासकर उंगलियों में, अंगूठों में ब्लड का सर्कुलेशन कम होने लगता है, उससे भी जो दर्द बढ़ जाता है। सर्दी के दिनों में जो बाहरी वातावरण में एटमोसफेरिक प्रेशर जो कम होता है, उसकी वजह से जोड़ों में, मांसपेशियों में सूजन आती है, तनाव होता है और दर्द महसूस होने लगता है। इस तरह के मौसम में जो सन एक्सपोजर कम होता है, तो विटामिन डी भी कम बनने लगती है और जोड़ और हमारे जो बोन्स की वीकनेस को बढ़ाती है, उसे भी पेन ज़्यादा होता है। जोड़ों की समस्याओं से बचाव के लिए क्या किया जाए, ये समझना जरूरी है। हमारी जो बॉडी को जो है मूवमेंट में रखना चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वार्म अप करना चाहिए, स्ट्रेस आउट करना चाहिए, अपनी बॉडी का जो हाइड्रेशन मेंटेन करना चाहिए, लो बैलेंस डाइट लो और वेट को लूज करना चाहिए। इसी तरीके से जो है हमारी जो बॉडी का जो मूवमेंट है, मसल्स का जो है फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको बनाए रखना चाहिए। अपने आप को जो बिस्तर तक सीमित नहीं करना चाहिए, जिससे कि जो है आपकी जो स्टिफनेस बढ़े, मूवमेंट कम हो। कुछ खाने में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस मौसम में अवॉइड करनी चाहिए। उसमें जैसे कि सॉल्ट है, शुगर है, रिफाइंड जो कार्बोरेट है, प्रोसेस फूड है, उनका सेवन कम करना चाहिए। और जो ग्रीन वेजिटेबल है, गार्लिक है, जिंजर है, ग्रीन टी है, नट्स हैं, फ्रूट्स हैं, बेरीज है, ऑलिव ऑयल है, इस तरह की चीज़ों का सेवन करने से जो है जोड़ों को जो है दर्द का एहसास कम होता है। नियमित व्यायाम करें, जिससे शारीरिक सक्रियता बनी रहे और जोड़ों की समस्याएं परेशान न करें। किरण भारद्वाज, DD News।